छह चुनैन हमने विद्यांजलि गेहूँ लिए हैं, उन्हें मिक्सी में पीस लिया और आटा छानकर अलग कर लिया। अब ऊपर हमारे पास गेहूँ का बारीक दलिया बचा है, जिसे हमने कटोरी में ले लिया है और इस दलिये को भगोनी में डालकर और इसका पकौड़ी के लिए मिक्सचर तैयार करेंगे। इस दलिये में हमने थोड़ी सी स्वादानुसार हींग मिलाई है, उसके साथ लाल मिर्च चौथाई चम्मच सौंफ और स्वाद के अनुसार नमक ले लिया है। इसमें हम चाहें तो गरम मसाला भी डाल सकते हैं और पकौड़ी का घोल तैयार करने के लिए हमने इसमें पानी मिलाया है। और इस घोल को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पानी थोड़ा कम है क्योंकि ये भीग के थोड़ा सा फूलेगा, तो इसमें हमने थोड़ा पानी और मिला दिया। अब इस घोल को हम थोड़ी सी देर भीगने के लिए रख देंगे। आधा एक घंटे के लिए हम इसे भीगने देंगे और तब तक हम अमचूर और विद्यांजलि गुड़ से अमचूर की चटनी, खट्टी मीठी चटनी बनाएंगे। अमचूर में पानी मिलाकर उसे घोल लिया है। इसे हम गरम करने के लिए रखेंगे और इसमें उबाल आने देंगे। इसमें जब उबाल आ जाएगा तो हम इसमें कुछ मसाले मिलाएंगे, जैसे नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च, सिका हुआ पिसा जीरा, ये मिला देंगे और इसे उबलने देंगे। अब विद्यांजलि गुड़ लेकर वो हम इसमें डाल देंगे। गरम पानी के साथ गुड़ मिक्स होता जाएगा, घुल जाएगा और साथ में हमने साइड में तेल गरम होने रख दिया है पकौड़ी बनाने के लिए। बिना तार की चाशनी, बिना तार वाली चटनी हमारी तैयार है उबाल आने के बाद। इसे हम थोड़ा सा पतला रखेंगे क्योंकि ठंडी होकर गाढ़ी हो जाती है और गरम तेल में पकौड़ी बनाएंगे। घोल को हम फेंकते रहेंगे, जितना फेंकेंगे पकौड़ी उतनी ही सॉफ्ट रहेगी और ये बनने के बाद काफ़ी कुरकुरी होती है, जैसे हम दाल की पकौड़ी बनाते हैं। इसे सुनहरा होने तक भुनेंगे और निकाल कर विद्यांजलि शरबती गेहूं की पकौड़ी। टेस्टी टेस्टी।